अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर ब्यूटीफुल होम। DHFS2 इस्लामाबाद में मौजूद है। 50x90 डायमेंशन है, एक कनाल का घर है। बहुत ही प्यारी एलिवेशन आप देख सकते हैं, पूरी एलिवेशन पे आपको टायर वर्क मिल जाता है। अच्छा जी, साइड पर यहाँ पर देख लें तो आपको ग्रीन वर्क मिल जाता है, गार्डन एरिया स्मार्ट सा दिया गया। रैम की बात करें तो टफ टाइल मिल जाती है आपको, आपको स्लाइडिंग गेट मिल जाता है ब्लैक एंड सिल्वर टोन में। अगर आप घर के अंदर आ जाएं, सबसे पहले आपको कार पार्किंग मिल जाती है। अच्छी साइज की टाइल का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर आपको आराम से तकरीबन 3 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। अगर गार्डन एरिया की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छे साइज़ का गार्डन एरिया मिल जाता है, प्लस जो है कुछ प्लांटर्स का इस्तेमाल किया गया है। घर की मेन एंट्रेंस की बात करें तो ये जी आपको यहाँ पर वुडन अच्छे साइज के हाइटेड वुडन जो है डोर्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये सॉलिड वुडन डोर्स हैं। घर के अंदर आ जाएं आप तो सबसे पहले राइट साइड पे आपको आउटडोर एरिया मिल जाता है स्मार्ट सा, ठीक है जी। और राइट साइड पे आपको एज यूजल ड्राइंग कनेक्टेड विद आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। ड्राइंग रूम की बात करें तो जी यहाँ पर आपको कर्टन मिल जाती हैं, आपको एक ब्यूटीफुल शैंडलियर यहाँ पर मिल जाता है, फायर प्लेस मिल जाती है आपको, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको जो है टू लाइट्स और टाइल के साथ डाइनिंग एरिया मिल जाता है। अगर हम लॉबी में दोबारा आ जाएं तो मिल जाता है गेस्ट रूम, इसको आप बेडरूम भी बना सकते हैं। टाइल वर्क मिल जाता है आपको, सिंपल सीलिंग, डिसेंट सीलिंग का इस्तेमाल किया गया है। विंडोज की बात करें तो जी आपको एल्यूमिनियम की विंडोज मिल जाती है यहाँ पर, कर्टन्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। और इसके साथ अटैच वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पर आप जी फुल हाइटेड आपको कैबिनेट्स मिल जाती हैं, ग्लास के साथ भी और शीट के साथ भी। अगर वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पर जी आपको अच्छी ब्रांडेड एक्सेसरीज मिल जाती हैं, सेपरेट शॉवर एरिया के साथ। ब्यूटीफुल यहाँ पर एक लाइट लगाई गई है, एक आपको मिरर मिल जाता है, आप दिखा दें, ठीक है जी। और फ्लोटिंग वैनिटी है यहाँ पर, कोरियन टॉप्स का इस्तेमाल किया गया जी। अभी हम चले जाते हैं लाउंज में, यहाँ पर लिविंग एरिया मिल जाता है। लिविंग एरिया में भी आपको अच्छे साइज की टाइल मिल जाती है, डिसेंट सीलिंग वर्क, एक शेल्टर यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको वुडन जो है मीडिया वॉल मिल जाती है, ठीक है जी। किचन में चले जाएं तो जी आपको ग्लास प्लस वुडन डोर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको वाइट कोरियन टॉप मिल जाती है, सिग्नेचर का आपको बर्नर प्लस हुड मिल जाता है, सिग्नेचर के ही आपको ओवन्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको जो है वो कैबिनेट्स मिल जाती हैं जी, ठीक है। रेफ्रिजरेटर की जगह दी गई है, साथ ही आपको अटैच जो है वो ग्रेजी किचन मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको व्हाइट एंड ब्लैक थीम मिलती है, बर्नर प्लस हुड। साइड पे आपको सेपरेट एंट्री एग्जिट फॉर सर्वेंट्स भी मिल जाता है। कि हम बेडरूम्स में चले जाते हैं, उससे पहले यहाँ पर मुझे एक स्मार्ट सा विद कबर्ड्स, आपको फुल हाइटेड कबर्ड्स के साथ स्टोर रूम मिल जाता है, ठीक है जी। बेडरूम्स की तरफ जाएं तो आपको बहुत ही प्यारा यहाँ पर ब्लैक थीम में, ब्लैक एंड गोल्डन थीम में बड़ी अच्छी साइज की टाइल्स मिल जाती हैं ऊपर और नीचे। राइट साइड पे आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है, अगर आप गेस्ट रूम की जगह उसको बेडरूम बनाते हैं तो ये सेकंड बेड। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको 3 बेड अकोमोडेशन मिल जाती है, बड़ी प्यारी यहाँ पर आपको वॉल डेकोरेशन विद वुडन स्टाइल। साइड्स पे आपको 2 लाइट्स मिल जाती हैं जो आप जो है साइड टेबल्स के साथ लगेंगी। यहाँ पर आपको ग्लास के कैबिनेट्स और यहाँ पर आपको शीट की कैबिनेट्स मिल जाती है फुल हाइटेड। वॉशरूम की बात करें तो जी कि आपको फ्लोटिंग वैनिटी प्लस आपको यहाँ पर भी लाइट जो है वो मिल जाती है बड़ी प्यारी सी, आप यहाँ पर टच लाइट मिल जाती है और सेपरेट शॉवर एरिया मिल जाता है, ठीक है जी। टाइल वर्क देखें तो जी आपको फुल हाइटेड टाइल वर्क मिल जाता है, ठीक है जी। सेकेंड बेडरूम में चले जाते हैं, यहाँ पर भी आपको वुडन स्टाइल में टाइल वर्क मिल जाता है और सेम आपको वॉल डेकोरेशन मिल जाती है। यहाँ पे आपको 2 लाइट साइड पे मिल जाती हैं और बड़े अच्छे साइज की यहाँ पर एक विंडो मिल जाती है, ठीक है। और अगर वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पर आपको फुल हाइटेड कवर्ड विद टाइल्स वॉल्स मिल जाती हैं, सेपरेट शॉवर एरिया मिल जाता है, फ्लोटिंग वैनिटी, पोर्टा की फिटिंग्स हैं जी, और यहाँ पर आपको ग्लास की फुल हाइटेड कैबिनेट्स मिल जाती हैं। अभी जी हम फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर के लिए जी आपको सेपरेट एंट्री भी मिल जाती है, अगर आप 2 फैमिलीज हैं या आप रेंट आउट करना चाहते हैं एक पोर्शन को तो आप यहाँ से सेपरेट एंट्री एग्जिट यूज कर सकते हैं। अगर स्टेयरकेस की बात करें तो यहाँ पर आपको मार्बल स्लैब्स मिल जाती हैं प्लस वुडन सेफ्टी ग्रिल मिल जाती है आपको, बीच में ग्लास वर्क मिल जाता है आपको, ब्लैक एंड व्हाइट थीम में आपको स्टेयरकेस मिल जाता है। डोर्स की मैं बात करूँ तो जी मैंने बताया जैसे सारे डोर्स आपको वुडन डोर्स मिल जाते हैं सॉलिड। हम टेरेस की तरफ चले जाते हैं, टेरेस एरिया बड़ा स्मार्ट सा टाइल वर्क के साथ, बड़े खूबसूरत डिजाइन के साथ, एंड लाइट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। शाम का वक्त है तो आप
यहाँ पर बड़ी अच्छी जो है वो टेरेस पे अपना टाइम गुजार सकते हैं। सब जगह आपको टाइल वर्क मिलेगा। तो जी सबसे पहले आपको सेम ड्राइंग एरिया मिल जाता है, कनेक्टेड विद आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आपको टू विंडोज मिल जाती हैं, टाइल वर्क मिल जाता है सेम लाइक हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। और अगर आप लॉबी से होते हुए जो है वो फर्स्ट बेडरूम की तरफ आते हैं, यहाँ पे आपको टाइल वर्क प्लस डीसी सीलिंग, आपको बहुत बड़ी सारी विंडो मिल जाती है यहाँ पर कॉर्नर की शेप में, ठीक है। और अटैच वॉशरूम जैसे डाउनस्टेयर हमने देखा था, वैसे ही आपको कैबिनेट्स के साथ टाइल वर्क भी आप देख सकते हैं, फुल हाइटेड है, फ्लोटिंग वैनिटी मिरर, ठीक है जी। अभी हम लाउंज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम किचन में चले जाते हैं। आपने जैसे ग्राउंड फ्लोर पे देखा था यहाँ पर ओवन्स नहीं मिलते आपको, ये आपने लगा लेने हैं। रेफ्रिजरेटर की जगह व्हाइट कोरियन टॉप के साथ आपको सिग्नेचर का ही बर्नर प्लस हुड मिल जाता है। आपको कैबिनेट्स मिल जाती हैं, वॉश एरिया प्लस यहाँ पर आपको लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, और यहाँ से आप सेपरेट एंट्री और सर्विस कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी लाउंज देख लेते हैं। यहाँ पर आपको वुडन प्लस ग्लास वर्क मिल जाता है, यहाँ पर आपको प्लांटर आर्टिफिशियल प्लांटर है ये, और आपको लाउंज मिल जाता है शैंडलियर के साथ। यहाँ पर आपको वुडन डेकोरेशन के साथ मीडिया वॉल मिल जाती है, बहुत अच्छे साइज की आपको विंडो मिल जाती है। टाइल वर्क आप देख सकते हैं, अच्छे साइज की टाइल मिली है। यहाँ पर आपको अगेन नीचे ब्लैक एंड गोल्डन था, यहाँ पे आपको ब्लू ब्लू प्लस ब्लैक कलर का डिफरेंट क्लाउडी शेड का आपको जो है टाइल वर्क मिल जाता है। प्लस आप दिखाइएगा ऊपर, आपको यहाँ पर सब स्काईलाइट मिल जाती है, ठीक है जी। अभी सेकंड बेडरूम में आते हैं जी, आपको एक विंडो मिल जाती है, यहाँ पर टाइल वर्क अच्छे साइज का डिसेंट वर्क सीलिंग, आपको कैबिनेट्स काफी सारी मिल जाती हैं, प्लस अटैच वॉशरूम। मजे की बात है कि जी सारे सारे वॉशरूम में आपको फुल हाइटेड टाइल्स मिल जाती हैं, सेपरेट शॉवर केबिन नहीं है, आपको एक्सेसरीज टॉयलेट वगैरह मिल जाता है, ठीक है जी। फाइनल जी थर्ड बेड, आपको थर्ड बेडरूम में भी आप देख सकते हैं जी विंडोज बड़ी अच्छे साइज की, और कॉर्नर है यहाँ पर भी आपको व्यू मिलता है, और बीच में आपको ओपन स्पेस दी गई है, दिखा दें, ठीक है जी। काफी सारी स्पेस है, बाहर भी आप बैठ सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। टाइल वर्क सेम डिसेंट सीलिंग वर्क, प्लस आपके पास वॉशरूम, यहाँ पे भी आपको नीचे की तरह ग्लास वर्क के साथ फुल हाइटेड कैबिनेट्स मिल जाती हैं, वाटर की आपको फिटिंग्स मिल जाती हैं, शॉवर एरिया, ठीक है जी। चले जाते हैं जल्दी से रूफ टॉप देख लेते हैं। अच्छा जी यहाँ पर स्टोर एरिया था, स्टोर एरिया मिस हो गया, आप दिखा दें पर आज टॉप चले जाते हैं। रूफ टॉप पे भी आपको दिखा देते हैं, सेम स्टेयरकेस आपको मिलता है वुडन वर्क के साथ। रूफ टॉप पे आपको चिप्स का काम मिल जाता है, एक सर्वेंट क्वार्टर है, यहाँ पे काफी सारा सामान पड़ा हुआ है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ साइज क्या है क्वार्टर का। आप साइज दिखा दें, अंदर ही अटैच वॉशरूम है इसके जी, ठीक है जी। को वाटर टैंक मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ जी आपको घर का रिव्यू अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मस्ट है, शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आपको टाइमली रिसीव हो। डिमांड जी इस घर की 11.5 करोड़ है, 11.5 करोड़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।